good morning students today we are going to continue chapter second of science class 7th okay so today we will discuss about some other organs of our body so we will continue with tongue so tongue is a muscular organ attached to the floor of buccal cavity अपने मुंह के अंदर फ्लोर पे अटैच रहती है जुड़ी होती है टंग इज़ फ्री इन फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन आगे से मूव हो सकती है फ्री है ये इट हेल्प्स इन मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा विद फूड इसकी मदद से ही हमारा फूड में जो अपनी सलाइवा है लार है वो मिक्स होती है इट हैज़ टेस्ट बट्स ड्यू टू विच वी कैन टेस्ट द स्वीट सॉर बेटर एंड सॉल्टी टेस्ट इन फूड और इसके अगले हिस्से पर टेस्ट बट्स होती हैं जिसकी वजह से ही हमें कोई चीज़ मीठी खट्टी कड़वी ठीक है वो महसूस होती है सेलिवरी ग्लैंड्स देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स इन द बकल कैविटी तीन पेयर हैं सेलीवरी ग्लैंड के जो सेलिवरी ग्लैंड क्या हैं जो सलाइवा रिलीज करेंगे सलाइवा जो आपका डाइजेसन में मदद करेगी दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्ट्स इन टू ओके okay, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रही है मतलब डाइजेशन में अपना योगदान दे रही है नेक्स्ट इज फूड पाइप और इोफेगस ओके दिस पेज इज सम मिसप्रिंट सो सो इट केयरफुली सो फूड पाइप इज अ लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब लंबी मस्कुलर ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द बकल कैविटी टू द स्टमक जो कि हमारे मुंह के निचल, निचले हिस्से से शुरू होकर अपने स्टमक तक जा रही है फूड च्यूड बाई माउथ इज पुस्ट डाउनवर्ड्स टू द ईसोफेगस नीचे भोजन उतरेगा इसमें से फ्रॉम हेयर द फूड मूव्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स प्रजेंट इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस तो इसकी मसल्स जो इसकी साइड में होती हैं इस फूड पाइप में इस ईसोफेगस में उसकी उस मसल्स की वजह से जो अपना फूड हम निकलते हैं वो नीचे उतरता है। चला जाता है और स्टमक में पहुंच जाता है नाउ द स्टमक स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल बड़ा हिस्सा है सबसे इट इज़ थिक वॉल्ड सेक लैक मस्कुलर ऑर्गन इट रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एंड पासेज एट इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो ईसोफेगस से स्टमक में आया और वहाँ से ये कहाँ चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकिन यहाँ भी पहले कुछ आपके फूड के साथ कुछ होगा क्या तो द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस विच कंसिस्ट ऑफ म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस तो अब इसमें कुछ जूस मिक्स होंगे आपके उस भोजन में जिसमें अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस काम क्या है इसका म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकस जो है वो आपके स्टमक के अंदर के हिस्से को बचाता है किससे क्योंकि उसमें क्या है एसिड है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया जिसका काम है बैक्टीरिया को मारना इट आल्सो प्रोवाइड एसिटिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाई गैस्ट्रिक इन द स्टमक और ये भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद करता है द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड वेरी स्ट्रेंगले इन एटीन ट्वेंटी टू ओके इसके बारे में हमको बताया था ओके okay? दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस पैराग्राफ नाव स्मॉल इंटेस्टाइन अब आपका फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाइडली कॉइल्ड एंड अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग साढ़े सात मीटर लंबी इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लेवर अब इसमें भी जो कुछ जूसेज आके करेंगे कहाँ कहाँ से लीवर पेनिक्रियाज ओके बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेज और इसके अलावा स्मॉल इस इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस इसमें सीक्रेट करेगी निकालेगी ओके okay? तो इसमें कहाँ कहाँ से कुछ जूस आ रहे थे लीवर से और पैनक्रियास से तो थोड़ा सा लीवर और पैनक्रियास के बारे में बात कर ले तो लीवर इज अ रेडिस्ट ब्राउन ग्लैंड थोड़ा सा रेडिस्ट ब्राउन कलर की सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमन एबडोमन मतलब अपना ये जो पेट वाला हिस्सा है इसके अपर पार्ट में ऑन द राइट साइड राइट हिस्से में इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ओके इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू एनी वन आस्क दैट विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी देन यू विल आंसर आवर एंड इट सीक्रेट वाइल जूस और ये कौन सा जूस निकलता है वाइल जूस कहा जाएगा येस्टाइन में दैट इज स्टोर इन द सेक गाल बैडर और ये कहां पर इकट्ठा होता रहता है गालब्लैडर में जाकर नेक्स्ट पेनक्रियाज था द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड क्रीम कलर की होती है लोकेटेड जस्ट बिलू द स्टमक स्टमक के जस्ट नीचे द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट और जो इसमें से जूस निकलेगा वो क्या करेगा जो भी अपने जो फूड लिया है उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है उसको ये चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा जिससे वो पच सके डाइजेस्ट हो सके द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचे टू द लोअर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर सम जूसेस कम्प्लीट द दा डायसन उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में भोजन पहुँच जाएगा इन सारे जूस वगैरह की मदद से वहाँ पर आपका डायसन अब कम कम्प्लीट होने की स्थिति में आ गया द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इन टू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इन टू जैसे सुगर आपकी कि किस्म बदली कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ सुगर में जैसे ग्लूकोज के रूप में फैट किस में चेंज हुआ फैटी एसिड में ओके और प्रोटीन्स आपके बने एमिनो एसिड्स में जो कि आपको एनर्जी देंगे बॉडी बिल्डिंग में मदद करेंगे द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली अब इसमें अभी एक चीज़ और हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बिली नाम की कुछ जैसे फिंगर लाइक फिंगर जैसी छोटी 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 काफ़ी सारी इसमें आपको संरचनाएँ देखने को मिलेंगी बिली इंक्रीज द इसका काम क्या है इंक्रीज द सर्फेस एरिया तो स्टमक का सरफेस एरिया इंक्रीज कर करती है ये जरूरत पड़ने पर ये उसको थोड़ा सा सरफेस एरिया को बढ़ाकर कर देती है जिससे आपका भोजन जल्दी एब्जॉर्ब हो तो इस प्रोसेस को भी एबजॉर्ब्शन ही कहते हैं ओके और उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है इस पास पाजट आई टू ब्लड वेसल और वो वहाँ से ब्लड वेसल में पास हो जाएगा नाउ लार्ज इंटेस्टाइन अब आपका भोजन पच चुका है तो लार्ज का इंटेस्टाइन का काम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन नाम लार्ज है लेकिन ये उससे चौड़ी होती है लेकिन साइज में छोटी है अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर वो कितनी थी सेवन पॉइंट फाइव ये हैन पॉइंट फाइव लेकिन चौड़ाई में बड़ी है ये उससे एक्सिस वाटर एवजोड हेयर एंड अनडाइड फूड पासिस रेक्टम जो वाटर है वो यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है और बाकी का बचा हुआ भोजन फिर यहाँ से पास कर दिया जाता है और जो बाद में फिर हम अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देंगे ओके अब है न्यूट्रिय इन रूमिनेंट्स रूमिनेट्स मतलब अपने जानवर रोमिनंट्स क्यों कहा जाता है अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सो so, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काओ डियर बफेलो आर ऑल कॉल्ड रूमिनंट्स ओके रोमिनट्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल जो भी घास खाते हैं दे हैवे स्पेशल फोर चैम्बर्ड स्टमक तो इनका जो स्टमक है वो चार चैम्बर में चार हिस्सों में बटा हुआ है द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट पहला सबसे बड़ा है कॉल्ड रूमेन रोमेन कहते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा सच एनिमल क्विकली सोलो फूड तो ऐसे जानवर आपने भी देखा होगा ये फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी ये खाते जाते हैं और उसको हमने जो भी खा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं ओके सोलो फूड एंड स्टोर वेट इन रोमेन तो ये सबसे पहले रोमेन में जाकर वो स्टोर कर लेते हैं अपने पहले पार्ट में रोमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ प्लांट मटेरियल एंड फूड मूव्स इनटू रेटिकुलम अब वहाँ पर रूमिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे छोटे छोटे जो थोड़ा थोड़ा उस भोजन को डाइजेस्ट कर देंगे वहाँ से फिर ये सेकंड पार्ट जिसको रेटिकुलम कहते हैं वहाँ ट्रांसफर होगा दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड़ और वहाँ पर पहुँच कर वो भोजन का अपन ने नाम दे दिया कड़ ओके okay? सबसे पहले वो कहाँ गया रूमिन में वहाँ से वो पहुँचा रेटिकुलम में रेटिकुलम में जो फूड पहुँचा है उसको हम बोल रहे हैं कड़ द रूमेंट्स ब्रिंग दिस कट बैक टू देयर माउथ उसके बाद जो ये कट है भोजन का जो रूप है इसको अब ये दोबारा से अपने मुंह में वापस लाएंगे एंड चू इट थ्रूली और उसके बाद उसको चबाते रहेंगे आपने देखा होगा बैठे बैठे भी गाय वैंसपना मुँह चलाते रहते हैं चाहे उनके सामने खाना ना हो कहाँ को तो वो खाना कहाँ से आया जो उन्होंने अपने बाद वापस अपने मुँह में जो ट्रांसफ़र किया है अब उसको वो दोबारा चबाते रहेंगे क्योंकि पहले तो उन्होंने डायरेक्ट उसको निकल लिया था तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन तो ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं तो इनकी इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं सलाइवा इज मिक्सड विद कर तो वहाँ पर सलाइवा भी मिली क्योंकि अपने मुंह में सेलिवरी सल, ग्लैंड्स होती हैं एनके भी होती हैं वो मिक्स हुई एंड पासिस डायरेक्टली इनटू ओमेसम एंड देन इनटू द एबोमेसम उसके बाद ये बचे हुए और दो पार्ट हो गए रूमेन रेटिकुलम और दो तुम्हारे कौन कौन से ओमेसम और एबोमेसम विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड इज डाइजेस्टेड एंड पास टू स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से भोजन अब पहुंच गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एवोमेसम इज द ट्रू स्टोमक एंड वर्क्स लाइक ट्रू स्टोमक तो अपनी तरह ही जो स्टोमक काम करता है उनका कौन सा स्टोमक है जो मेन रूप से इस तरह से काम कर, कर रहा है वो है आपका एवोमेसम ट्रू स्टोमक रूमिनेंस आल्सो हैव अ स्पेशल बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन दिस इज कॉल्ड सेकम एक और इनका पार्ट है ये सेकम नाम का ये क्या करेगा सेलुलोज को डाइजेस्ट का कर करेगा अपने अंदर ये पार्ट नहीं होता है इसलिए हम घास वगैरह का यूज नहीं कर सकते उसको नहीं पचा सकते ओके अब ऐसे एनिमल जिनमें मुंह ही वगैरह ना हो उनका कैसे डाइजेशन वगैरह होता होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे सो न्यूट्रिशन एंड अमोवा ये क्या होता है अमोएवा ये यूनी सेलुलर है मतलब सिंगल सेल है सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पौंड पौंड वगैरह में पाया जाता है सिंगल सेल है बहुत छोटा है दे आर फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल फ्लोटिंग इन पौंड वाटर तो जो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट वगैरह अपने जितने ही आकार के जो भी इसको खाने को मिलेगा वो उनको कैप्चर करेगा लेकिन करेगा कैसे तो इसकी भी कुछ स्टेजेज हैं जैसी अपनी होती हैं फाइव स्टेजेस सो पहली पहली कौन सी है इनेशन वेन आउ ए कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद इट्स फूड जब भी अपने फूड के कॉन्टेक्ट में आएगा इसको फूड लेना होगा सो इट स्ट्रेच आउट टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया तो ये अपनी बॉबॉडी से देखो एक तो इसका साइज कोई फिक्स नहीं है आपको जो इसका ये साइज दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि अब ये इसका साइज कोई फिक्स है ये अपना साइज कभी भी कैसे भी चेंज कर सकता है कभी ऐसा भी बना सकता है ऐसा भी बना सकता है तो इसका साइज कैसा भी ये चेंज कर सकता है तो क्या करेगा मान लो आपका ये फूड है तो ये अपने दोनों साइड से ऐसे दो प्रोजेक्शन निकालेगा दो अपने एक तरह से आप कह सकते हो हाथ निकालेगा ठीक है इनको फिर ऐसे ये जोड़ लेगा तो इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया ठीक है उसके बाद ये एक वैक्यूल जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेगा उस जो भी आपका अभी फूड इसके बीच में आ गया है कुछ एंजाइम इस पर काम करेंगे और काम करने के बाद इसको वो इसकी बॉडी में डाइजेस्ट कर देंगे ओके सो सेकंड प्रोसेस डाइजेशन फूड वैक्यूल रिसीव डाइजेस्टिव डायेश्ट, जूसेस डायजेस्टिव जूस जूसेज भी हैं जिनको एंजाइम भी बोल रही थी मैंने अभी आपको बताया वो फूड को ब्रेक करेंगे सिंपलर फॉर्म में थर्ड इज एब्जॉर्प्शन द सिंपल सब्सटांस आर एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड अब जो भी सिंपल रूप में वो कन्वर्ट हुआ है उसको इसकी बॉडी कैप्चर करेगी एसिमुलेशन द एब्जोर्ब सबस्टांस आर यूटिलाइज फॉर इस ग्रोथ उसके बाद ये इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेगी एनर्जी देगी एंड एडिशन द फूड विच रिमेन्स अन डाइजेस्टेड एक्सपेल्ड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इसकी सेल के थ्रू ही उसको बाहर निकाल देंगे स्पेसिफाई इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है सिंगल सेल ओके सो दिस इज योर चैप्टर सेकेंड इज कम्प्लीटेड If you have any query, any doubt, you can comment. Okay, thank you very much.